नमस्कार, नाम आकृति चिप, दायित्व जीडीसी रामपुर कॉलेज प्रेसिडेंट एंड डिस्ट्रिक्ट गर्ल्स इंचार्ज। जो कि आज की जो ये प्रेस वार्ता रखी गई है अपने जीडीसी रामपुर कॉलेज के स्टूडेंट्स को लेकर रखी गई है। मैं मीडियम के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि जो कि आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे जीडीसी रामपुर कॉलेज थर्ड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे उपस्थित हैं। इनका जो इशू है, इन्होंने थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन लेनी थी जिसमें इनको जम्मू यूनिवर्सिटी के थ्रू वहां से कुछ गाइडलाइंस निकाली गई है, उनको उसी को लेकर इनको जो है समस्या आ रही है। और जैसे कि इनको बताया गया था फर्स्ट सेमेस्टर में जब इन्होंने एडमिशन ली थी तब यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ गाइडलाइंस निकली थी जिसमें ये बताया गया था कि जब आप थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन लोगे तो उसमें आप अपनी जो आप सब्जेक्ट रखना चाहते हो उस पर आप स्वैप कर सकते हो। तो उसी को लेकर आज ये मीडियम के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। अब इसके बारे में, इस पूरे इशू के बारे में हमारे जो सुमित जी हैं जीडीसी रामन कॉलेज थर्ड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं, इसके बारे में पूरा ये बताएंगे। मेरा नाम सुमित सिंह है, मैं जीडीसी रामन का थर्ड सेमेस्टर का छात्र हूँ। हमें जो है सब इस स्वैपिंग इशू से हमें स्वैपिंग इशू फेस करना पड़ रहा है सर। जो हमारा सब्जेक्ट स्वैपिंग इशू है सर, ये फर्स्ट है सर। जब अपनी यूनिवर्सिटी ने गाइडलाइंस निकाली सर, ये गाइडलाइंस हैं, तो इसमें सर यूनिवर्सिटी ने बताया था कि यूनिवर्सिटी ने जो हमारे सब्जेक्ट को, जो हमारा ज्योग्राफी सब्जेक्ट है उसको आर्ट्स में भी और साइंस में भी दिया हुआ था। तो सर उसमें और इस गाइडलाइन में ये भी लिखा हुआ था कि आप थर्ड सेमेस्टर में जो है अपना सब्जेक्ट जो है स्वैप कर सकते हो। उसके बाद जो है सर, आप जो ये नए स्टैट्यूट्स लागू कर रही है जम्मू यूनिवर्सिटी, उसमें ये लिखती है, ये बताती है कि आप जो है ज्योग्राफी को आप साइंसेज ही में पढ़ सकते हो, आर्ट्स में नहीं पढ़ सकते। इन्होंने ज्योग्राफी को साइंसेज से हटा दिया है। तो अगर सर इन्होंने ये पहले ही ऐसा करना था तो सर हमें पहले आर्ट्स में ज्योग्राफी का सब्जेक्ट दिया क्यों? पहले से ही हमें बोला होता तो हम एज ए साइंस रखते उसको सब्जेक्ट। तो हमें सर ये बार बार नए नए यूनिवर्सिटी के रूल निकाल के सर हमें खज्जल कर रहे हैं और हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं सर ये बार बार। सर हमारी ये जम्मू यूनिवर्सिटी की गुजारिश है कि ये करते हैं कि अगर सर हमारा ये इश्यू सॉल्व नहीं किया गया तो सर हम भारी प्रोटेस्ट करेंगे, यहाँ तक कि कोर्ट तक भी जाएंगे। तो सर ये जम्मू यूनिवर्सिटी के जो नए स्टैट्यूट्स हैं सर, इनमें उन्होंने ये जो नए स्टैट्यूट्स हैं इनमें बताया है उन्होंने कि आप जो है खाली साइंस टू साइंसेज में चेंज कर सकते हो, साइंस आर्ट्स नहीं। और सर ये जम्मू यूनिवर्सिटी के कुछ मिनट्स ऑफ द मीटिंग है जिनमें ये साफ लिखते हैं कि आप जो है अपना सब्जेक्ट स्वैप कर सकते हो। एक तरफ यूनिवर्सिटी लिखती है कि आप अपना सब्जेक्ट स्वैप कर सकते हो और दूसरी तरफ ये बताती है कि आप अपना सब्जेक्ट स्वैप नहीं कर सकते हो और कर सकते हो एज ए सेम डिसिप्लिन। तो सर ये जम्मू यूनिवर्सिटी के नए नए रूल से हम दिन ब दिन तंग आ चुके हैं और सर हमारे साथ ये 22 छात्र भी अपने खज्जल हो चुके हैं सर। दिन ब दिन हम सर हमारा सर बहुत नुकसान किया है सर अभी तक की इन्होंने। तो सर और भी बच्चे हमारे साथ हैं सर, जैसे सिमरन जी, सर सचिन जी, सर इनसे कुछ। यस सर, मेरा भी ये सेम इशू है। हम सब मतलब एक ही सब्जेक्ट के बच्चे जिन्हें हमारा सेम इशू है कि हमारा हमें भी ज्योग्राफी मतलब सब्जेक्ट मेजर करना है लेकिन हमें दे नहीं रहे हैं। मैं नाम शाइस्ता सुलेमान है, मैं थर्ड सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ गोल्ड मेडिकल कॉलेज शामिल की। तो पहला मसला हमारा ये है कि पहले हमें यूनिवर्सिटी वालों ने गाइडलाइन दी थी कि हमें थर्ड सेमेस्टर में हम अपना जो सब्जेक्ट है वो स्वैप कर सकते हैं, लेकिन अब इनकी गाइडलाइन ये आती है कि हम स्वैप नहीं कर सकते हैं। तो ट्वेल्थ में मेरा जो सब्जेक्ट था वो ज्योग्राफी था, तो मेरा सपना था कि मैं ज्योग्राफी में एमएससी करूँ और उसका नेक्स्ट ईयर बनूँ, लेकिन अब इनकी गाइडलाइन की वजह से हम अपना सपना तोड़ नहीं सकते। तो हम यूनिवर्सिटी से गुजारिश करते हैं कि वो हमारी समस्या को हल करें। अगर जम्मू यूनिवर्सिटी अगर इसके ऊपर अमल नहीं करती है, इन्हें अगर जैसे कि पहले गाइडलाइंस निकाली की थी और बाद में कुछ और ही इनको बताया जा रहा है, अगर इसके ऊपर जम्मू यूनिवर्सिटी अमल नहीं करती है तो एबीवीपी प्रोटेस्ट करेगी और तब तक प्रोटेस्ट करेगी जब तक इनको सब्जेक्ट नहीं मिल जाता है।